भारत में वातावरण को शुद्ध रखने के लिए इंडियन रेडियोलॉजिकल अमेजिंग एसोसिएशन की ओर से वन महोत्सव मनाया जा रहा है और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए पौधे भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही मोगा के पार्क में डॉक्टर आयोजन इसका किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर अमनदीप कौर और सिविल सर्जन डॉक्टर राजेश अत्री ने पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की है। वहीं मोगा में वन विभाग के सहयोग से 200 से अधिक पौधे लगाए हैं। इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसिएशन वालों साडे मोगा तो डॉक्टर गरचा और सारे सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स वालों इत्थे साडे नेचर पार्क के विच प्लांट्स लगाए गए हैं और साडी जिन्नियां भी एनजीओज अलग अलग थावां नूं मेनटेन कर रहे हैं उन्होंने एनजीओज वालों नेचर पार्क के विच प्लांट्स लगाए गए हैं और वन विभाग वालों 2000 प्लांट्स जिहड़े हैगे आ छावां देण वाले वो पूरे मोगा के विच लगाए जाणगे। जिहड़ा उपराला हो रहा बहुत वधिया हो रहा पर इहदे थोड़ी जिही दुरुस्ती करन दी लोड़ है कि असी देख रहे हैं पिछले 15 साल तो इत्थे बंदे आउंदे आ वख-वख एनजीओज आउंदियां बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करते फोटो खिचाउंदे आ उस तो बाद चले जाते हैं तो जे उन्हां पौद्यां दी संभाल की जाए तो शायद जिन्ने प्लांट पिछले 10 सालों तो पंजाब च लग रहे हैं तो शायद अपना सारा टारगेट पूरा होया हुंदा। अज जी साडी एसोसीएशन इंडियन रेडियोलॉजिकल एंड इमेजिंग एसोसीएशन वालों सारे इंडिया विच सारे बूटे लगाए जा रहे हैं, ट्री प्लांटेशन की जा रही है। साडे नैशनल प्रेजिडेंट हैगे डॉक्टर उमेश कृष्णामूर्ति ते पंजाब स्टेट चैप्टर के प्रेजिडेंट डॉक्टर मुकेश गुप्ता, मैं मैंबर स्टेट एग्जैक्टिव पंजाब चैप्टर एरिया का हैगा। असी नॉन एनजीओ मेरा सोना मोगा दे उन्होंने कलैबरेशन श्री कृष्ण सूर जी के नाल मिलकर सारे नेचर पार्क असी 15-20 बूटे लगाए है अज लगाए है।